गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास लाइव ना होकर के मिल रही है आपको रिकॉर्डेड। तो मामला ये है कि आज की क्लास में इंटीग्रेशन कल शुरू हुआ था, पहली एक्सरसाइज सबकी लग गई। दूसरी एक्सरसाइज में हम तो कहेंगे कुछ गधों ने, रियल में जो अपने को आइडेंटिफाई करने के रियल में गधे हैं, वो मतलब मेरी मेहनत मिट्टी में मिला देते हैं। उनमें से सबसे ऊपर पहला नाम सुवर्ण, क्या नाम है इसका, रोहन, उसके पीछे लगा दो सुअर रोहन। इतना बड़ा मूर्ख है लड़का कि इसका दिमाग तनिक भी नहीं चलता है। ये एग्जाम्पल के ऐसे ऐसे सवालों को भेज दिया है जिससे एकदम पता चलता है कि ये मूर्खों का बाप है। मूर्ख जब धरती में पैदा हुए हों तो इसी से पैदा हुए होंगे। एक ही कंसेप्ट, एक ही कहानी से इंटीग्रेशन को चलना है। ट्रिग्नोमेट्री होगी दोस्त, अभी तो देख केवल ट्रेलर है, ट्रिग्नोमेट्री का ट्रेलर तो अभी आना बाकी है। इस वन को क्या कर दें, अब अलग अलग सेपरेट डिवाइड कर दें, तो वन अपान कॉस स्क्वायर एक्स जो कि क्या हो जाने वाला है, वन अपान कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर से कट जाएगा तो क्या बनने वाला है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस का कॉट एक्स, और जब ख़त्म हो जाए तो प्लस सी। पहला सवाल ख़त्म, अगला सवाल चालू। मतलब सवाल लगाने में, सवाल समझने में एक तनिक सेकंड से भी टाइम नहीं है। अगली एक्सरसाइज भी आज प्रोसीड करा दूंगा, वीडियो को अंत तक देखें, अगली एक्सरसाइज का जादू मिलेगा इसी में। हाँ, कुछ सुअर जो है जो आधा अधूरा देखते हैं, बहुत होशियारी कर लेते हैं, बहुत होशियार हैं, और दे दिया जाए तो दो ठो सवाल ना बनेगा। ये भी था, अब देखें जिसका भी है वो एक लेवल का सुअर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कौन है वो अपने को आइडेंटिफाई कर सकता है, किसको क्या करना है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स जो वन हो जाएगा, और बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस जो कि कॉस टू एक्स का फार्मूला होगा, कॉस टू एक्स का। अगर ये कॉस टू एक्स का फार्मूला है प्यारे, तो कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन कल हमने थोड़ा सब्स्टिट्यूशन का फ्लेवर बताया था। जैसे इंटीग्रेशन में आपके पास ओरिजिनल फार्मूला कॉस एक्स का होता था जब में से साइन एक्स, लेकिन एक्स का रोल किसके पास आज है, तो जैसे डिफ्रेंशिएशन में होता था टी मानने वाला झमेला, ऐसे इंटीग्रेशन में करना है। जब आप इसे टी मान लोगे तो एक बड़ा बवाल सामने आ जाएगा कि ये कॉस टी तो बन जाएगा, लेकिन जो डी एक्स है वो वहाँ से रिप्लेस होता है टी के रिस्पेक्ट में, तो डी टी बाई टू, तो वन बाई टू एज ए कॉन्स्टेंट, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, कॉस टी का इंटीग्रेशन टी की वैल्यू क्या होगी, जैसे डिफ्रेंशिएशन में याद होगा इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन 2x इंटू टू हो जाता था, देखो ये जो 2 है वो डिवाइड में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ डिफ्रेंशिएशन का भी कंसेप्ट लगता है। ये अगली एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। ये इसका आंसर है, प्लस सी लिखना ना भूलें, मैं छोड़ता रहूं तो आप लिखते रहें। हाँ, एंटी डेरिवेटिव आल्सो कॉल्ड दिस। इसके बाद एक सवाल और है, यहाँ सारा मामला क्या है कि जिन गधों ने ट्रिग्नोमेट्री पर काम नहीं किया है वही गधे बचेंगे, बाकी तो सबका लग जाएगा, ये कुछ ऐसा चैप्टर ही नहीं है। दिस इज sec थीटा माइनस tan थीटा, किसी को भी पता है पहले ट्रिग्नोमेट्री सिंप्लीफाई कर लो तभी आगे बढ़ना। sec थीटा प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमेशा वन होता है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा राइट डी थीटा। नीचे वाली वैल्यू वन बन गई, अब ऊपर इंटीग्रेशन के लिए बचा हुआ है sec थीटा प्लस इंटीग्रेशन tan थीटा, दो अलग अलग पार्ट हो गए। हाँ, कल तक की इन्फॉर्मेशन में sec थीटा और tan थीटा या sec x और tan x के इंटीग्रेशन नहीं आए हैं, कल तक नहीं आए ना, आ भी नहीं सकते थे। अब आप चलिए यहाँ से कम 3 से 4 एक्सरसाइज आगे, वहाँ आपको sec भी मिलेगा, वहाँ आपको टैन भी मिलेगा, वहाँ आपको सेक भी मिलेगा, वहाँ आपको टैन भी मिलेगा।
छोड़ दे रहा हूँ। देखिए हमारी जो पुरानी किताब है, ये रोहन की किताब लेकर आया हूँ, इंटीग्रेशन टेन मिला है, कॉट मिला है, अगली वाली एक्सरसाइज में कॉसेक मिला है तो सेक भी मिलेगा, कॉसेक मिला है तो सेक में मिल गया, इंटीग्रेशन सेक थीटा, इंटीग्रेशन सेक थीटा। अभी फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है, आज आप सिर्फ फार्मूला ले लो, आगे आने वाली एक्सरसाइज में आपको इनका पूरा फ्लेवर मिलेगा। दिस इज सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस ये इसका फार्मूला है। आज नहीं कल आपको याद कराऊंगा। और जब लॉग होता है तो आपको पता है सदैव मॉडुलस होता है, वैल्यू कुछ भी हो, प्लस इंटीग्रेशन टेन थीटा भी इसके जस्ट पीछे वाली एक्सरसाइज में है आपके पास, इंटीग्रेशन टेन थीटा लॉग सेक थीटा, लॉग सेक थीटा, लॉग हम इसे इतना ही लिख के छोड़ सकते हैं, और अगर आपका बहुत मन करता हो तो आप लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, लॉग एम प्लस लॉग एम इंटू एन होता है, लॉग एम इंटू, आप इनको गुणा करके छोड़ दो, बस इधर से निकल जाओ। ये सवाल था किस लिए, कि आप आगे वाली एक्सरसाइज से जाके फार्मूला पकड़ लाओ। और देखिए इंटीग्रेशन में जो राइटर्स हैं हर्षरूप शर्मा महोदय, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी भी बनाई है, हर एक एक्सरसाइज में अगली वाली आने वाली एक्सरसाइज के एक या दो सवाल उन्होंने मेंशन किए हैं, जिसके लिए क्या हुआ कि आप सवाल लगाओगे तो आप फंस जाओगे, जब फंस जाओगे तो आपको क्या करना है, ढूंढने जाना है, आपको क्या करना है, ढूंढने जाना है कि ये कहाँ मिलेगा। तो आपको पहली वाली एक्सरसाइज प्री टाइम में माइंड मैच्योर हो जाता है, माइंड सेट हो जाता है कि यार ये यहाँ आएगा, तो ये अच्छी बात भी है। हर एक्सरसाइज में एक या दो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जो अगली एक्सरसाइज में मिलने वाले फार्मों से हल होंगे, तो ये सवाल उसी का एक बानगी था। इसके बाद किसी महाशय ने, ये मोनिका है, हाँ ये इसके पास इतना ही दिमाग है, ये काम यही कर भी सकती है, मोटी बुद्धि नहीं कहते हैं इसको, मोटी बुद्धि वही है, मतलब मेरे पढ़ाने और बताने का इनके ऊपर कोई असर नहीं होता है, अब यहीं बैठे रहते तो कसम से बता रहा हूं मार मार के गाल लाल कर देता मैं, मेरे पढ़ाने और बताने का यहां कोई असर नहीं होता है। मैं कल ही बार बार चेताया हूं कि इंटीग्रेशन के सवालों का केवल एक ही तरीका है, हाँ लिखा था अलग से कंसेप्ट बोला था, लेकिन कान में तेल भरा हुआ है, मिट्टी का तेल, हमारा मन करे तो आग लगा दें कान में, कहा था नीचे की घात कम ऊपर की ज्यादा या बराबर भी हो तो पहले भाग दे लेना, लेकिन सुनेगा कौन, हाँ इसे कॉमन भी ले सकते हो तीन, लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो फॉलो करिए, ये क्या है यूनिवर्सल है, ये कभी गलत नहीं होने देगा, कन्फ्यूज़न पैदा नहीं होने देगा, बाकी सवाल लगाने के तो बहुत सारे तरीके मौजूद हैं, लेकिन सुनता कौन है। अगर देखिए कंसेप्ट अलग हो तो बात हमें भी बताने में अच्छी लगती है, लेकिन अब क्या कहूँ, एक्स बार जाएगा, थ्री एक्स यहीं लिख दो, हाँ और कहते एक्स के सामने वाला एक्स लिखेगा ना, इसके सामने थोड़ी लिखेंगे हम, और घटाने आना है तो ये गया घट गया तो टू एक्स स्क्वायर बचा रहेगा प्लस वन, आपको पता एक बार क्यों भाई, साले तीन है यहाँ, लात ही लात मारेंगे सुधर जाओगे समझ लेना, जब यहाँ टू एक्स स्क्वायर है तो इसे थ्री एक्स स्क्वायर बनाना है, गधा है थ्री बाई टू मल्टीपल टू बाई थ्री, भाग देने का मूल फंडा नहीं क्लियर है, कितनी बार जाएगा ये, एक बार जाएगा टू बाई थ्री बार जाएगा, टू बाई थ्री, थ्री थ्री कट जाएगा क्या बचेगा, थ्री और थ्री कट गया क्या, सुअर माइनस एक बचा, लाठी से मारेंगे समझ जाओगे, एक्स तो यहाँ यहाँ भागफल में अंतर नहीं आता, अभी उठा के पटकूंगा ना तो दिमाग ठंडा हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन नहीं गलत हो जाएगा अगर यहाँ वन आएगा तो, भाग देने का रूल यही है कि दूसरा कोई रूल बना हुआ है, अभी लगेंगे मारने तो बुद्धि ठिकाने पर आ जाएगी सुअर, भाग देने की तमीज नहीं है, बारह में चले आए हैं, इतना ही लगाना था, मतलब जो कंसेप्ट हमने दी, जो हमने मेहनत करी, उसको मिट्टी में मिलाने का
बड़ा शौक है शुगरों को। कल कितनी बार अलर्ट किया कि घात नीचे की ऊपर में अंतर हो, नीचे की कम ऊपर की ज़्यादा, इवन बराबर भी हो तो पहला काम भाग देना। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2/3 डी एक्स का एक्स, यहाँ -1/3 एज ए कांस्टेंट है ना, और ये डी एक्स अपान 1+x² टेन इनवर्स एक्स, किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, बस यही पकड़ना है। एक सवाल लगाने में महज 15-30 सेकंड ही लगने हैं, लेकिन क्या करोगे। ये सवाल किसका था, मोनिका का। इसके दिमाग में भी गोबर भरा हुआ है, गोबर, जिसको गोबर कहा जाता है। अगला सवाल देखो, ये भी इसी का है या किसी और बहादुर का भी होगा। 1/√x -√x, तो इनके आँखें कान दिमाग सब गायब हैं। इसे x की पावर -1/2 लिखा जा सकता था, इसे x की पावर, फाइंड द इंटीग्रल। हम नहीं करेंगे, मेरा मन नहीं है। अगला सवाल एक और था, 1+x, कुछ नई पुरानी किताबों में एक आध दो सवाल का डिफरेंस है, ये भी किसी भाई ने भेजा है, ठीक है, जानकारी नहीं रखते हो तो ठीक है, लेकिन अगर रखते होते तो ये e^x था। ये e^x का सूत्र होता है, और e^x का इंटीग्रेशन +c नहीं होता है, होता है। किसी गधे ने 15 नंबर भेजा है, ये भी रोहन है। इस रोहन नाम के गधे का इलाज मुझे अच्छी तरीके से करना है, बहुत बड़ा सुअर है। cot² dx cot का इंटीग्रेशन ही नहीं होता है, इसकी आइडेंटिटी तोड़ी जाएगी, cosec²x - 1 होता है इसकी जगह, cosec²x का इंटीग्रेशन माइनस का cot x है ना। 117 भी किसी बहुत बड़े गधे ने भेजा है, मतलब कह तो रहा हूँ, अगर यहीं सामने बैठे होते पहले तुमको हम कस कस के हंके होते, ये तो कहो आज तुम्हारा दिन अच्छा था। वही करें, इन सब सवालों के लिए मैं एक्सक्यूज़ नहीं करता, पहले कस के तुमको मैं कसता, फिर इसके बाद इस सवाल को लगाता। 1 - cos 2x हमेशा बताया, करोड़ों बार बताया कि आइडेंटिटी से ब्रेक होगा। 1/2 एज ए कॉन्स्टेंट होगा, cos²x को क्या करेंगे, और cosec²x का इंटीग्रेशन, मतलब मुझे लगता है मैं सुअर हाँक रहा हूँ, सुअर पढ़ा नहीं रहा हूँ, सुअर हाँकने का काम दिया गया है हमको। मुझे शर्म आती है कभी कभी खुद पर और ऐसे लड़कों पर कि मेरे पास क्यों पढ़ रहे हैं। ये सारे सवाल रोहन के हैं और ये उस कैटेगरी में आता है। कभी कभी मुझे शर्म आती कि ऐसों को पढ़ाना पड़ रहा है मुझे, शिक्षक हूँ, जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, बस इतना ही है, लेकिन ऐसों को पढ़ाना पड़ रहा है, इसकी बड़ी समस्या है। अब देखिए कोई और महाशय भेजे हैं, ये कौन महाशय हैं, शायद पार्थिव हैं, ये भी एक सवाल है, हाँ ये सवाल भेजा गया है, देखिए अब आप लोग भी देखिए, इसको cos²x तोड़ने का, इधर sin²x तोड़ने का, अंदर अंदर बाहर बाहर tan²x बनने का, तुमको पता है tan²x कभी इंटीग्रेट ही नहीं होगा, दिस बिकम sec²x - 1। उस आइडेंटिटी तुम्हें क्या करना है, इंटीग्रेशन में फॉर्म क्रिएट करने हैं, tan²x को sec²x - 1, sec²x का इंटीग्रेशन होता है, 1 का इंटीग्रेशन +c गया क्या। अगला सिनेरियो बनाने वाला हूँ मैं, लगी तो जा रहे हैं सब, लग ही गए, ख़त्म हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से बनने वाला है। देखो अब कितने बड़े बड़े गधे हैं, कसम से बता रहा हूँ, केवल एक ही काम होता तो इसी बात का दुख है मुझे रोज़, और यही समस्या है ना हमारे देश में, अगर कोई शिक्षक पढ़ाना चाहे तो साले ये लोग पढ़ाने ना देंगे। हाँ अब यही मौका था कि मैं कस के कूटा होता, और फिर इसके बाद ज़िंदगी में कभी गलती होती तो कोई बताता मुझे, इसकी क्या दवाई थी,
टू साइन स्क्वायर एक्स। अब इस जगह इस मौके पर सामने बैठे रहे तुमको क्या लगता है, मैं छोड़ देता इसों को जिनने सवाल पूछ भेजा है, पहले चार चार छः छः हाथ कर रहे मारा होता फिर बताया होता टेन स्क्वायर एक्स कभी इंटीग्रेट नहीं होता है। टेन स्क्वायर एक्स कभी इंटीग्रेट, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, वन का इंटीग्रेशन माइनस एक्स प्लस सी, ये भी ख़त्म हो गया। अब ऐसों को क्या तुमको लगता है हम छोड़ते हैं, तुमको लगता है हमारी प्रवृत्ति में ऐसे लोगों को छोड़ना लिखा है? तुम में से तो किसी का सवाल नहीं था, नहीं हो तो बताओ, तो पहले वीडियो वीडियो बंद कर दें, पहले हम तुमको बढ़िया व्यवस्था बना दें। हाँ ट्रिग्नोमेट्री इसी दिन के लिए पढ़ाई थी ना हमने, कोई दवाई नहीं है केवल एक। क्यों वीरेंद्र, नीचे वाले का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर बन जाएगा साइन एक्स वन प्लस कॉस साइन एक्स, वन प्लस और वन माइनस साइन एक्स, वन प्लस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। देखो साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स अपान कॉस एक्स, फिर वन अपान कॉस एक्स, तो इसको टेन एक्स इंटू सेक एक्स। बिना ट्रिग्नोमेट्री सिंप्लीफाई करे कुछ होना नहीं है। साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स एक ब्रैकेट एक में टेन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस साइन स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर एक्स यानी टेन स्क्वायर एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स कभी इंटीग्रेट नहीं होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। इसके इंटीग्रेशन को बताओ क्या कहेंगे, सेक एक्स टेन एक्स वन का एक्स प्लस सी। हाँ वो तो आएगा ही ना। एक कोई यहू सवाल भेजा है डी एक्स अपान अंडर रूट एक्स प्लस ए अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस बी, कोई दवाई नहीं बनी है सिवाय इस कहानी के। हाँ अब ऐसी चीज़ गणित में ज़िंदगी में पहले कभी दिखी है तो भी वही किया है, आज भी वही करूँगा। माइनस करने से यहाँ पर कोई रूट हट जाएंगे और यहाँ एक माइनस लगेगा और यहाँ भी माइनस तो हो ही जाएगा, ये गायब हो जाएगा। वन अपान ए माइनस बी एज ए कॉन्स्टेंट बार बैठेगा, अब इंटीग्रेशन करने के नाम पर कौन कौन बचेगा, एक बार अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस ए और माइनस करके अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस बी, इनके इंटीग्रेशन आप नहीं करेंगे। ये टी मान लें तो टी की पावर वन बाई टू, क्योंकि उसके डिफ्रेंशिएशन में वन ही आना है तो कोई दिक्कत, तो टी की पावर वन बाई टू इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन का सूत्र अप्लाई कर दें, डायरेक्ट लिख देता हूँ वन अपान ए माइनस बी बाहर बैठा है बैठा रहेगा, इसका इंटीग्रेशन एक्स प्लस ए की पावर वन बाई टू चढ़ा है तो थ्री बाई टू होने का, अपान भी थ्री बाई टू, और माइनस करके एक्स प्लस बी की पावर भी थ्री बाई टू अपान, अब इस थ्री बाई टू को बाहर निकाल लो, यही आंसर लिखा हुआ है, ये भी हो गया। इसके बाद कुछ और सवाल भी लोगों ने अभी दिए हैं, अब इनको क्या कहूँ, इन लोगों को ऐसे ऐसे लोग हैं, कह तो रहा हूँ इसी बात का दुख है हमें अभी फिलहाल, और कोई दुख नहीं लग रहा है कि ऑनलाइन चल रही कि ऑफलाइन। ऑनलाइन में अपनी मर्जी की कर लेते हो, ऑफलाइन में मेरी मर्जी चलती है, बस फर्क इतना ही आता है। अगर मैं भी वही होता कि आओ बेटा बहलाओ फुसलाओ नाचो कूदो तो मैं भी बढ़िया नाच के इसी में चला जाता, नाचना सरल है ना। आजकल ज़्यादातर यूट्यूब में क्या देखा है, मास्टरों का नाच। यूट्यूब में ज़्यादातर बच्चे क्या देखना पसंद कर रहे हैं, मास्टरों का नाच, कि कितना बढ़िया नाच लेता है और कितना बढ़िया गा लेता है मास्टर। चुतियापा पढ़ो मत, मास्टर नाचे गाए मौज कराए तो एक घंटे क्लास कब बीत गई पता नहीं, और पढ़ाए तो दुश्मन, पढ़ाए तो दुश्मन नाचे तो बहुत मज़ा, इधर उधर उठपटांग बात करे फर्जी एप्लीकेशन बातें करे तो मज़ा है। ऑनलाइन क्लास बहुत बढ़िया चलती है, बहुत मज़ा लगाते हैं, अभी मज़ा ले लोगे तो यह तो मज़ा ही ले लो तो पढ़ ही लो, यही दो बातें तो हैं। YouTube में क्या हो रहा है, बच्चे मज़ा लेने जा रहे हैं, कमाल है यार। कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फ बढ़िया सवाल था। हाँ अब इतनी देर में कोई बच्चा इस सवाल को पूछा होता उन सबों को छोड़ करके तो हमें भी बहुत अच्छी फीलिंग आती कि यार ये सारे सवाल बच्चों ने लगा लिए, ये पूछा है कि बढ़िया है, नेचुरल सी बात है, अच्छा सवाल है, हमें अच्छा लगता बताते हुए। हमेशा बताया है कॉस टू एक्स की आइडेंटिटी टू कॉस स्क्वायर एक्स
माइनस वन। यहाँ कॉस टू अल्फा की आइडेंटिटी टू कॉस स्क्वायर अल्फा, अगर बच्चे पूछते तो अच्छा लगता मुझे भी, इसे प्लस कर दिया जाए पटेल, ये काट दिया जाए बढ़िया लगेगा, टू भी कॉमन ही हो जाएगा, नीचे कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। हाँ दो को काम कहाँ कहाँ दो दो काटोगे कहाँ, गधे हो कहाँ, एकदम से दो कॉमन लोगे सिर्फ, एक ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक कॉस स्क्वायर अल्फा है तो निश्चित तौर से फैक्टर सामान्य गणित का फैक्टर, कोई ट्रिग्नोमेट्री का फैक्टर नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अप्लाई करो, सामान्य गणित अप्लाई कर रहा हूँ, माइनस कॉस अल्फा, नीचे वाला कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा आपके इंतज़ार में है, आराम से इंटीग्रेशन होता 10 सेकंड में, दो एज ए कॉन्स्टेंट कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स डायरेक्ट लिख दूँ, और कॉस अल्फा एज ए कॉन्स्टेंट है प्यारे, और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, यही इसका जवाब था। अच्छा सवाल था, मैं मानता हूँ कि बढ़िया सवाल है, कुछ गधों ने यहू भेज दिया है, देखो अभी बताते हैं, 32 नंबर हमारी किताब में है, देख रहे हो, ऐसों का कौन सा भविष्य है कोई मुझे इतना बता दे, जौन बच्चे ये सब सवाल इतना पढ़ने के बावजूद न लगा पाएँ तो इनका फ्यूचर कहाँ जाएगा, ये कौन सी तीर उखाड़ेंगे, दो साइन स्क्वायर एक्स, लगातार बताया गया कि ट्रिग्नोमेट्री है, सिंप्लीफाई करो, अब सिंप्लीफाई करने के लिए कोई तोप नहीं चलानी है, अलग अलग सेपरेट डिवाइड करना है, तो 5/2 एज ए कॉन्स्टेंट इस वाले हिस्से में, कास स्क्वायर कट जाएगा तो एक कास बचेगा, एक कास अपान एक साइन काट हो जाएगा, और एक और साइन नीचे बचा है तो इसे कास एक एक्स कर देंगे, इसका तो इंटीग्रेशन होता है, और 2/2 तो साधारणता कट जाएगा, साइन स्क्वायर कट जाएगा, एक साइन बचेगा एक कास रहेगा तो ये बन जाएगा टेन एक्स, और एक ठो कास और बचा है ऊपर गया सेक एक्स, तो भेजे में अटकाओ, ये किसका इंटीग्रेशन है, माइनस कॉसेक एक्स, और क्या नहीं है, माइनस कॉसेक एक्स, ये किसका इंटीग्रेशन है, सेक एक्स का, केवल ध्यान ये देना है किसका डिफ्रेंशिएशन फलनवा था उसी का इंटीग्रेशन था, लो यू हो गया। और कुछ था पटेल, तुम्हारा कुछ राग था, कौन बता देगा, नहीं तुम्हारा कौन दो सवाल रहा ना, ले आओ 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 मौका है, आओ अरे आओ अरे ले आओ इसे, अरे कौनो कौनो नहीं मिला तो ही खा ले दी, हाँ तो का दिक्कत हुआ, वही कह रहे हैं कौनो ना मिला तुम्हें दू हाथ खाई ले, बता रहा हूँ बे, तुम लोग नरकिस्तान हो साले को जो है एकदम दिमाग ख़राब कर देते हो फालतू का, मतलब इसी इसी चीज़ को मैंने, मुझे खुद अंदाज़ा नहीं कि मैंने कितनी बार इस कंसेप्ट को कभी मैथ में तुम्हें बताया होगा, लेकिन इंटीग्रेशन में आज खड़ा हो गया तो मुंह बा दिए, ई की पावर लॉग ई बेस पर एक्स अपान एक्स लिखा है, क्या मैंने तुमको हज़ारों बार नहीं बताया है कि ई की पावर लॉग ई बेस ही हो और ये पूरा लिखा हो तो केवल एक्स के बराबर होता है, अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, इट्स इक्विवेलेंट टू एक्स, ई की पावर लगा हो और लॉग ई बेस पर चाहे ससुर यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हों तो ये कुल ख़त्म हो जाएगा, ये इतने बचेगा, लो डी एक्स का इंटीग्रेशन, मामला वो नहीं है। अब देखो एक और सवाल, वही टोपा पंथी वाला ले आए हो, अब मूड बना नहीं है तो तुम लतिया जाते अभी, तो क्या मतलब था, वही कह रहे हैं, चलो ये वाला तो ठीक था क्योंकि आगे पीछे याद आया कि नहीं आया, मैंने कभी बताया था कि नहीं बताया था कि प्रूफ करके दिखाऊं कैसे होता है एक्स के बराबर, प्रूफ कर दूं, मान लो ये तुमने मान लिया एक्स के बराबर या वाई के बराबर ई की पावर लॉग ई बेस पर एक्स लिखा था, मैंने कहा कि वैल्यू एक्स के बराबर हो जाती है, लेकिन कैसे, तो हमने कहा माना, हमने कहा e की पावर log e बेस पर x को y, तो y की वैल्यू अगर x लाने में कामयाब रहा तो हो जाएगा, टेक log बोथ साइड, दोनों तरफ log लेने पर, तो ये log e बेस पर y हो जाएगा, log लेने पर घात आगे आती है इंटू log e बेस पर e, नहीं कहोगे, घात आगे आती है फिर log लिखा जाता है फिर वो सामने फलन लिखा जाता है, तो log e बेस पर e तो 1 हो गया, ये कितना हो गया, इनके दोनों की तुलना करो, y का मान ही तो निकालने चले थे, y बराबर
इसीलिए लॉजिक जनरल लॉजिक दे देता है कि ई की पावर ही नहीं, अगर ए की पावर लॉग ए बेस पर कुछ लिखा होता तो भी वो एक सही होता। समझ रहे हैं, जरूरी कि यही बेस हो, किसी भी बेस हो वही यहाँ लगा हो तो वो सामने वाली नंबर ही बचती, बाकी सब उड़ जाता है। और ये अलग अलग हो तो फिर कहानी बदल जाती है। अब देखो एक सवाल ये ले आए हैं, मैंने कब तक तुमसे कहा कि घात बराबर हो, घात नहीं तो का दुइये घात हो या तीन घात हो तबे भाग दोगे, अब नहीं दोगे। तो एक नियम बना लो कि घात अगर बराबर हो तो भाग दोगे, बोलो दोगे, कई बार जाएगा माइनस, खत्म माइनस ही बचा रह गया। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, वन माइनस ए अपान एक्स प्लस ए, यही तो इंटीग्रेशन करने जाता तो यक्स का वन होता और वन का यक्स होता, ए एज ए कांस्टेंट ये लॉग में बन जाता, ठीक है ना। आपको पता है इसमें सब्सिट्यूशन लगेगा लेकिन अब डायरेक्ट हो जाता है तो बन जाता है। मॉडल्स लिख सकते हैं आप यहाँ, देखो इस सवाल में बिना डिवाइड करे भी, क्योंकि जनरल कॉमन सेंस लगा के भी कर सकते थे आप, जैसे कि हम लोग करते ही रहते हैं हमेशा। जैसे इसमें क्या कर लेते, प्लस ए, तो एक सीन हमारी एक्स प्लस ए अपान एक्स प्लस ए वन बन जाती, ये भी तब भी तो वही आया है। ये क्या है, थोड़ा जल्दी हो गया, दिमाग लगा लिया, स्विच कर लिया, जल्दी हो गया। और इसी में जो है अगर आप डिवाइड करते थोड़ा एक सेकंड का टाइम और लग जाता, लेकिन आना तो वही था ना। तो ये तो मूल मंत्र है इंटीग्रेशन का, अभी अलग आज दूसरा दिन है तो दूसरे दिन तक रोज कान खोल के सुनते रहो कि अगर अलजेब्रा में सीन बनेगा तो आपका काम क्या होगा, आपकी ड्यूटी क्या होगी, बोलो आपकी ड्यूटी क्या होगी, सिंप्लीफाई करना यानी डिवाइड करना ना भूलें। ये मामला क्लियर हो गया, हाँ अब तो लग ही गया, तो कुछ बचा भी नहीं हमारे पास, आगे चलें। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जैसी महान कंसेप्ट आपके कदमों में है, एक एक्सरसाइज आज पूरी करिए, ज़्यादा उछलने कूदने की ज़रूरत नहीं है। एक एक्सरसाइज ऐसे पूरी करिए कि आपके भेजे में वो बात धंसे। मैंने क्या कहा था, डिफ्रेंशिएशन आपने जब पढ़ा था तो जो पहली एक्सरसाइज थी जिन बच्चों ने की थी वही तो डिफ्रेंशिएशन में आगे गए थे। सेम यहाँ सिनेरियो है, जो बच्चा आज से सब्स्टिट्यूशन सीखेगा वही इंटीग्रेशन को अंजाम तक पहुँचाएगा, वही बच्चा इंटीग्रेशन को अंजाम तक पहुँचाएगा। तो चलिए दो मिनट में कुछ सवालों तक पहुँचता हूँ मैं। इंटीग्रेशन लिखा है ई की, अगली एक्सरसाइज शुरू हो रही है 6x, तो इतना कॉमन सेंस तो आपके पास होगा ही कि जैसे डिफ्रेंशिएशन में मामला फंस जाता था तो इसको टी मानते थे, ऐसे ही इंटीग्रेशन में जब ऐसा मामला फंस जाएगा जिसका फार्मे से वास्ता नहीं है, फार्मे से डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, तो उसको भी क्या मानेंगे। बस वहाँ काम सरल होता था, यहाँ थोड़ा एक स्टेप बढ़ गया है, जिसको टी मानते हैं, जिसको टी उसे पहली बार एक बार में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, मैं भी कारण बताने आ रहा हूँ। अब देखिए आपने इसको टी तो मान लिया पटेल, लेकिन यहाँ बवाले जान हो गया, dx बचा हुआ है, तुम तो मरते मर जाओगे, इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। क्यों, ये फंक्शन टी का है और ये dx है, इंटीग्रेशन होगा ही नहीं। यानी अगर ये टी का फंक्शन है तो यहाँ dt ही होना चाहिए, तो इस dx को dt बनाने के लिए हमारी गरज है ये करना, इसलिए करना पड़ता है। तो बताओ यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बस ये केवल ये स्टेप सिर्फ इसी कारण से किया जाता है और इसका कारण यही है। और पकड़ते रहिए, तो e की पावर t से कोई गिला सिकवा नहीं है, dx की जगह क्या हो गया, अब इस 6 से मुझे कोई समस्या नहीं है, 1/6 बार छोड़ दें, अब आराम से प्यार से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में है e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, और t की वापस वैल्यू हमेशा रखते आए हो, वापस लौटा लाओ प्लस सी आंसर छोड़ो। मन तो समझ में आ गया है, जो फार्मूले से दाएं बाएं भागे उसी को पकड़ के टी माने, और टी मानने के बाद ध्यान रखिएगा ये अगली दो तीन एक्सरसाइज इंटीग्रेशन का आधार है, कर लोगे तो इंटीग्रेशन का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बाकी जितने ऐसे सुअर हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्री की तमीज अभी तक नहीं आ पाई है, वो इंटीग्रेशन या तो बंद कर दें या तो क्लास छोड़ के चले जाएं, बहुत हो गया है। मतलब ऐसे ऐसे सुअर हैं, एक दो तीन नाम मेरे जहन में हैं, उसमें सबसे ऊपर नाम इसी रोहन का आता है, रोहन उर्फ सुअर। आप तो इसको मैंने छोड़ दिया है, अच्छा हुआ इसको मैं घर छोड़ आया, नहीं तो आज फिर बहु मार खाता। अच्छा हुआ इसको मैंने आज रोक दिया घर में, नहीं आज इसी के ऊपर पूरी गाज गिरती। sec स्क्वायर x होता था, दिक्कत कौन पैदा करने में लगा है। और द्विवेदी जी आप अपनी ज़रा आदत में सुधार करें,
ये जो अल्टरनेट आते हैं ना, बंद कर देने, दो ही इसी दिन हाँ के मारूंगा तो सारी बुद्धि ठीक हो जाएगी। जो अल्टरनेट आजकल नहीं आए थे ना, परसों कई बजे आते हो रोज? काहे 8-10 पे आते हो? टाइम क्या है तुम्हारा बोले आने का? 7:30 बजे, समझा कि नहीं? नशा वसा किए हो क्या एकदम से? क्या करो ये पढ़े 5S को टी। जय का टी मान ले, पहले डिफ्रेंशिएशन मार दे। हाँ भलाई इसी में है, यस स्क्वायर टी बन गया। हाँ डी एक्स को मट हाँ बटल दो, 1/5 एज ए कॉन्स्टेंट सेक स्क्वायर टी डी टी टेन टी टेन, और टी कौन है? टी कौन है? 5X हो गया। टी की जगह 5X लिखो बे, प्लस सी इंटीग्रेशन साइन 7X साइन डी एक्स। क्या करोगे फलनमा को टी ओरल लिख दें क्या? वो नीचे चला जाएगा, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस टी, टी वाले तो 7X और 7 नीचे जाएगा। पक्का पकड़ा कि नहीं? कि लगा के दिखाऊं तब मानोगे? हो जाएगा ना? हाँ अब दिखा तो ऐसा ही है, लेकिन बहुत बड़े बड़े सुअर इसमें बैठे हैं तो अभी समझते नहीं हो पटेल, इसमें बहुत बड़े बड़े ब्रांडेड बैठे हुए हैं, अभी छोड़ देंगे तो कल बेहोश मिलेंगे आधे। एक और सवाल है, साइन 4X कॉस 6X, जिंदगी खत्म हो जाएगी दोस्त तुम्हारी भी इंटीग्रेशन करते करते, अगर आपको टाइम पर ट्रिग्नोमेट्री याद नहीं आई तो। एक फार्मूला होता था 2 sin A cos B का, लेकिन 2 × (Divide) ट्रिग्नोमेट्री में 11th में, तो पहले 1/2 बाहर करो, पहले इसको होश में लाओ, खुद भी होश में आओ तब इंटीग्रेशन कराओ। 2 sin A cos B का फार्मूला होता था, एक ब्रैकेट में sin A + B प्लस करके sin A - B, एक ब्रैकेट में sin A + B sin A + B यानी 10X और प्लस करके sin A - B, a में b घटाएंगे तो माइनस का 2x आता, साइन में -2x माइनस का sin 2x हो जाता। बोलो अब आराम से इंटीग्रेशन करना है, कोई समस्या तो नहीं आती होगी? अब वही तो हो गया ना, 1/2 बाहर बैठा है, sin 10x का ओरल भी अब कर देंगे, माइनस का cos 10x अपान 10 अपान, और इसका इंटीग्रेशन लिख ले बे, अब दिल करे तो ले जो मन करे, लेकिन अब ये स्टेप पता नहीं हो तो दिन भर मक्खी मारेंगे नहीं मारेंगे, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री होश से रखें। नहीं आती है तो रोना तो बहुत पड़ेगा ही, और ऐसा ऐसा रोना पड़ेगा कि किसी को दिखा भी नहीं पाओगे हुआ क्या है मेरे साथ। इंटीग्रेशन कल भी शायद मैंने चर्चा की थी या नहीं की थी, sin³θ dθ, sin²x cos²x sin³x, ये कभी इंटीग्रेट नहीं होते। लेकिन तुमने क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है जिसमें sin³θ का एक फार्मूला था, 3 sin θ माइनस याद है 4 sin³θ, तो याद रखिएगा जिंदगी में कभी sin³θ इंटीग्रेट नहीं होगा, इससे इसकी आइडेंटिटी तोड़ के लाई जाएगी। मैं वो आइडेंटिटी लिखता हूँ आपके लिए डायरेक्ट, 3 sin θ माइनस sin³θ अपान 4। अगर मैंने आज sin³θ की जगह ये लिखा है तो आप सहमत हैं कि नहीं? बोलो अगर आप सहमत हैं तो 1/4 एज ए कॉन्स्टेंट। देखिए इसके बदले में ये कहाँ से आया पता है? sin³θ को इधर भगा दिया, इसको इधर भगा दिया, 4 को बाद में नीचे उतार दिया, sin³θ की आइडेंटिटी है। चाहो तो इसे याद कर लो, या याद ना करो तो इस फार्मूले को तो याद हो ही करेगा, इसी में इम्प्लीमेंट करके इसे निकाल लो। तो अब 3 तो एज ए कॉन्स्टेंट है, sin³θ का इंटीग्रेशन माइनस का cos³θ, एक अरे अभी करके आए हो 3θ है ना, तो 3 नीचे बैठ जाएगा, जाके प्लस में बन जाएगा क्योंकि माइनस लगा है, अब बताने की जरूरत तो नहीं है। अपान में 3 क्या मैं टी मानूँ फिर लिखूँ तब जाऊँ? डायरेक्ट हो गया ना, sin x रहेगा sin 2x रहेगा तो अपान में 2 है ना,
याद रहेगा ना। अब इसी में अगर cos 5x हो तो एक बात कंसेप्ट से आ गई है कि sin 5x तो बन जाएगा लेकिन 5 नीचे जाएगा, लेकिन साइन का होता तो माइनस में कॉस बनता। फार्मूला तो वही है, वो जो माइनस फाइव नीचे आने वाला प्लस फाइव नीचे आने वाला झमेला है वो क्यों हो गया, समझ गया कि नहीं। तो यहाँ क्या है, जगह जगह ट्रिग्नोमेट्री आपका ओरिजिनल टेस्ट लेगी। तो जितने ऐसे टोपा बैठे जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री 11 की खोली नहीं है तो उनके साथ क्या होगा वही जानते हैं। अब एक इंटीग्रेशन में लिखा है पटेल अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन x, 1 माइनस, आपका क्या विचार है। जब तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं तब तक जिंदगी नहीं, मैं लिखता हूँ। अब आप इसकी ट्रिग्नोमेट्री राइट टाइम सिंप्लीफाई नहीं कर पाए तो आप समझो मुर्दा ही धरे हो, फिर कोई रास्ता नहीं इन सवालों को लगाने का, याद रख लीजिएगा। मैंने कोई गलत बात कर दी, इस वन की जगह कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर, देखिए होता तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स था, लेकिन साइन एक्स को तोड़ने पर बाई टू आते तो मौके पर चौका मारना आना चाहिए। कोई तकलीफ है क्या, रहेगा तो ये भी बने ना, थीटा दोनों हैं, लेकिन बाई टू क्यों लिखे, हमारे तो इतिहास में ये वन लिखा गया है, ये तो कभी वन नहीं लिखा गया है, लेकिन क्या होता नहीं है क्या, क्यों लाया मैं बाई टू क्यों लाया, क्योंकि साइनस के फार्मे में बाई टू आया। अब हुआ क्या इससे, ये कॉस एक्स प्लस माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर मंडप को ख़त्म कर देगा, कॉस एक्स बाई टू माइनस, आप नहीं सहमत हैं हमारे साथ, प्यार से इंटीग्रेशन करने चलेंगे तो कॉस एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन बेशक साइन एक्स बाई टू हो जाएगा, लेकिन ये बाई टू जो है वो टी मना के जाएगा तो अपान में 1 बाई टू, हाँ वो बाद में टू चला जाएगा, और इसी सिनेरियो को यहाँ फॉलो करेंगे तो प्लस बन जाएगा, और बाई में 1 बाई टू, देखो जो मल्टीपल है अगर एक्स के अलावा कोई और है तो वही नीचे चला जाता है डिफ्रेंशिएशन के बाद, क्लियर है ना। ये जैसे यहाँ 3x होता तो 3 नीचे जाता, वो एक्स बाई टू इसलिए 1 बाई टू नीचे जाएगा। लॉजिक से क्लियर है या करके दिखा दूँ, हो गया ना, हाँ अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 कॉमन ले लो, ख़त्म काम, इंटीग्रेशन है। अब आप मौके पर अगर इसे मिस कर गए कौन जिम्मेदार है, आप ही जिम्मेदार है। एक और है आखिरी सवाल, अब भाई क्या, वो तो ख़त्म हो गया, सांसें टूट गई। देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 ये एक्सरसाइज आने वाली, ये वाली, इसके आगे 2 और, सब सब्स्टिट्यूशन की ही एक्सरसाइजेज हैं। जितना गहराई में आप इनकी उतरोगे उतना ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा, उतना ही आपको बढ़िया सिनेरियो क्रिएट होगा। आज एक लगाना है आपको, sec स्क्वायर 3x माइनस 2 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 5x, यानी एक सवाल नहीं है, कुल 5-4 सवाल हैं। एक सवाल कहाँ है ये, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका, सब समझ रहे हैं। 2x को t मानना पड़ेगा तो 7 तो 7 रहेगा, 2x को t मानने से 1 की पावर 2x की पावर t, और 2 नीचे जाएगा डिफ्रेंशिएशन के बाद, याद आया, क्यों, क्योंकि जब dx को रिप्लेस करोगे dt से तो नीचे चला जाएगा, है ना, -5, बढ़िया लग रहा है। लेकिन जब आप इसका इंटीग्रेशन करने जाओगे तो इसको t मानोगे और इसके डिफ्रेंशिएशन में वो 2 नीचे जाएगा, हाँ जब आप 2x प्लस 7 को t मानने वाले हैं तो 2 इज इक्वल टू dt बाई dx, तो dx रिप्लेस होगा तो dt बाई 2, तो 2 तो बाहर चला गया और बनाए dt बाई t माने तो log, माने तो हुआ ना dt अपान t log t, और लॉग में जगह कौन बना लिया, 2x प्लस 7, इसको t मानेंगे, sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t नीचे, माइनस इसको t मानोगे तो माइनस का 5 नीचे जाएगा, ए इमरान डिफ्रेंशिएशन करने पर माइनस का 5 आएगा ना, नीचे जाएगा, और t की पावर 1 बाई टू का इंटीग्रेशन t की पावर 3 बाई टू अपान 3 बाई टू, t फलनमा था, यानी एक सवाल नहीं था 4 सवाल थे, और चारों सवालों को एक ही लाइन में बंद कर दिया है, पकड़ में आया कि नहीं। सब्स्टिट्यूशन क्लियर होना चाहिए नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। पहले यहाँ पर हमने किसको t पकड़ा, 2x को, क्यों पकड़ा, क्योंकि यही है गर्दिश में सितारे हैं जिसके, t माना डिफ्रेंशिएट किया तो वो t नीचे चला गया। अगले सीन में इसको t क्यों पकड़ा, क्योंकि dx अपान x होता तो मजे से log लिखता, लेकिन किसने बिगाड़ दिया मेरा खेल, 2x प्लस 5 7 ने,
तो 2x प्लस 7 का डिफ्रेंशिएशन करते तो 2dt बाई dx, और इस dx की जगह पर लिखा जाता तो dt बाई 2, तो वही 2 नीचे भाग गया, dt अपॉन t log t बन गया। बढ़िया था, ये तो समझ ही आ रहा है कि t 3x है, नीचे भागेगा। वो सब सारा खेल बार बार नीचे जाने का है, ध्यान रखिएगा। तब डायरेक्ट मत करिएगा, जब तक आप बच्चे हैं तब तक सब्स्टिट्यूशन ले करके करिएगा, लिख कर करिएगा। हमने किया है तो मत करना। बोलो आज सी लगाओगे ख़त्म हो जाएगी, समझ गए हो तो एक को नहीं फंसेगा, नहीं समझो तो कुल में फंसोगे। लिख के ले लो मुझसे, ले आओ ले भाई पढ़े। कौन सा बताया जाए, चलो ले आओ भाई। एक सवाल आ रहा है, जरा ध्यान दें आप लोग। इंटीग्रेशन टेन की पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपान अंडर रूट एक्स। हमने क्या सब्स्टिट्यूशन जब लगाओगे तब तो पता चलेगा। टेन रूट एक्स को टी मानना पड़ेगा, किसको टी मानना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट भी इसी का करना पड़ेगा, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करने में ये टी मनाएगा कि नहीं। अब डिफ्रेंशिएशन ध्यान रखिएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स को दोबारा नहीं करना पड़ेगा। हाँ पता चला इंटीग्रेशन करते करते डिफ्रेंशिएशन का सफाया हो जाए, इसका डिफ्रेंशिएशन मेरे सामने आता तो यही लिखता कि नहीं लिखता। चलो आओ, तो तुमने टेन रूट एक्स को टी माना है तो टी की पावर 4 हो गया भाई साहब, इसको छूना नहीं, इसको भी अभी फिलहाल मत छूना, लेकिन करिश्मा देखो dx को तो छूना पड़ेगा। dx की जगह पर क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स डी टी अपान, पढ़े लिखे आदमी हो, अगर x का नामो निशान किसी प्रकार का बचता तो मैं असफल होता, बचा कि नहीं बचा कुछ, x ही खत्म हो गए, मतलब इंटीग्रेशन हो गया। दो बार है t की पावर 4 का इंटीग्रेशन t की पावर 5 बाई t, कौन था आंसर, क्या आएगा 2 टेन रूट एक्स की होल पावर 5 अपन 5 प्लस सी हो गया। तभी आना है, अभी तो शुरुआत हो रही है, नई पुरानी किताबों में थोड़ा वेरिएशन है क्वेश्चंस का, बट लगाइए जो बन रहा है वो बनाइए। अबे पटेल अपनी पुरानी वाली घटिया किताब मत दिया कर बे, नई वाली दिया कर। ए इमरान तुम किताब दिया करो अपनी, नई वाली अपडेट हो क्या है, इसमें एनसीईआरटी वगैरह सब आया है। घटिया किताब पकड़ा गया, फर्जी फर्जी सवाल लगवा के निकल गया, वही 500 सवाल थे इसमें। नई वाली किताब में बहुत सारे सवाल नए आए हैं, सब्स्टिट्यूशन भेजे में दसरा है इमरान में, क्या करना है, काम अभी बहुत है। एक क्लास में और बताएंगे अभी सब्स्टिट्यूशन को, एक क्या दो क्लास लगेगी, तीन क्लास लगेगी। सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा समय देना चाहता हूँ, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन को अगर आपने टाइम दे लिया तो इंटीग्रेशन का डर हमेशा के लिए भाग जाएगा। सब्स्टिट्यूशन ही नहीं पकड़ पाए, जिंदगी भर इंटीग्रेशन तुमको दर्द दे के रह जाएगा, याद रखना, पकड़ो इसको।